स्टार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के फखरपुर में हुई चार लोगों की निर्मम हत्या का कनेक्शन महाराष्ट्र से सटे ठाणे के मुंब्रा शहर से जुड़ा हुआ है। ये पूरा मामला प्यार के आड़ में पैसों से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से एक माँ को अपने तीन मासूम बच्चों के साथ अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के निवासी ननकू उर्फ मुबारक अली मुंब्रा शहर में एक इडली डोसे की दुकान पर काम करता था और इसी दौरान ननकू उर्फ मुबारक अली का अफेयर मैरी कत्रियन 35 वर्षीय महिला से हो गया। ये महिला तलाकशुदा थी और इसके तीन छोटे छोटे बच्चे भी थे। ननकू और मैरी के बीच इस कदर मोहब्बत बढ़ी कि ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और मैरी ननकू से शादी करने का दबाव बनाने लगी, मगर ननकू की नज़र उसके घर पर। मैरी ने ननकू के लिए अपना घर भी बेच दिया और घर के पैसे करीब 4 लाख रुपए ननकू को दे दिया, मगर मैरी को क्या पता था कि जिसके लिए वो इतना सब कुछ कर रही है वही उसके परिवार की जान ले लेगा, क्योंकि शादी से ननकू इसलिए इनकार करता रहा कि वो पहले से ही शादीशुदा था। अब ननकू मैरी से कैसे अपना पीछा छुड़ाए ये उसके समझ में नहीं आ रहा था और आखिरकार ननकू ने एक प्लान बनाया। ननकू मैरी और उसके तीन बच्चे राजाती 11 वर्षीय, जोसेफ 7 वर्षीय, सौंदर्य 4 वर्षीय को लेकर 9 सितंबर को मुंबई से लखनऊ के लिए ट्रेन से रवाना हो गया और प्लान के मुताबिक स्टेशन पर पहले से ही दानिश और सलमान ये दोनों युवक जो ननकू के दोस्त थे ये वहां पर मौजूद थे और 10 सितंबर को पहुंचते ही ननकू दानिश और सलमान ने मैरी और उसके तीन बच्चों को जान से मार डाला और गन्ने के खेत में फेंक दिया और 11 और 12 सितंबर को दो अलग अलग जगहों से इन चारों शवों को पुलिस ने बरामद किया और इनके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, मगर पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इनकी पहचान नहीं हो पा रही थी, जिसके पहचान के लिए बहराइच पुलिस ने सोशल मीडिया में भी अपील की और पुलिस के मुताबिक रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज और वहां के ढाबों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे और रेलवे में किए गए रिजर्वेशन से कुछ जानकारियां जब सामने आई उसके बाद कानून के हाथ अपराधियों के गले तक पहुंच गए और आखिरकार मुंबई से ननकू, दानिश और सलमान इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 11 को दो डेड बॉडी मिली थी, जिसमें एक महिला और तीन बच्चे थे, जिस पर हमारी टीमों ने काम किया और आज हम उसका जो है खुलासा कर रहे हैं। तीन हत्या के भी पकड़े गए हैं, साथ में महिला की पहचान भी हुई है। महिला की पहचान मैरी के नाम से हुई है, महिला और उसके तीन बच्चे हैं और जो अभियुक्त हैं उसमें ननकू, सलमान और दानिश, ये तीनों फखरपुर के रहने वाले हैं लेकिन तीनों मुंबई में काम करते हैं और महिला भी मुंबई की है और ननकू से प्रेम संबंध के कारण जो है ये शादी का दबाव डाला थी, जिसकी वजह से उसने इसको हल्लाकर उसका जो है गला रेत कर हत्या कर दी। साथ में सलमान दानिश को महिला के द्वारा का मकान बेचा गया था, उसके पैसे को ये बंटवारे की बात थी, पैसा हम लोग बांट लिया जाएगा, इसमें इन दोनों हल्लाकर यहाँ पर हत्या कर दी इसके और आज ये तीनों पकड़े गए हैं। बिल्कुल वहाँ से ले चले और आए, उनको महिला को अपने गाँव ले जाने के बता करके ले आए, अपने गाँव ले जा रहे हैं। उद्देश्य क्या था सर इनको मारने? मारे के उद्देश्य महिला से प्रेम संबंध था, ननकू को शादी का दबाव डाल रही थी और ननकू को शादी करने दी, शादी शुदा आदमी था, ये गांव में इसके बच्चे हैं, परिवार है, ये घर वालों को भी नहीं बताना चाहता था, इसलिए उसको ले आया कि महिला गांव को घर अपने घर ले चलो, घर ले चलने के लिए आया, उस बस लेके आया, उसकी हत्या करके और इसके बाद साथ में दो साथियों को सलमान और दानिश को सहयोगी बनाया और क्योंकि महिला ने अपना मकान बेचा था 4 लाख रुपये का, वो पैसा इन लोगों को मिल गया था, इसको पैसे का आपस बांटना था और महिला को और बच्चों को खत्म करके इसे मुक्त होना था।